वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल सुपर टेक्निकल सर्च में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि गाइस Paytm एप्लीकेशन में आधार कार्ड से UPI पिन बनाने का जो फीचर्स है आ चुका है। सो गाइस बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आधार कार्ड से UPI पिन नहीं बना रहे हैं, उनका प्रॉब्लम्स आ रहा है। सो गाइस अगर आप अपने आधार कार्ड से अपने Paytm एप्लीकेशन में आधार कार्ड से UPI पिन बना रहे हैं, अगर गाइस आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो गाइस आप अपनी इस प्रॉब्लम को इजीली ठीक कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे। तो चलिए गाइस बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने Paytm एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करना। लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने बहुत सारे बैंक का लिस्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके जिस बैंक में आधार कार्ड से UPI पिन बनाने का जो फीचर आया है, आपको उस बैंक को आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक बैंक है जो यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक है, तो हमसे क्या करेंगे, जियो पेमेंट बैंक टाइप करेंगे, तो जियो पेमेंट बैंक यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ओपन होकर के आ चुका। तो हमसे क्या करेंगे, जियो पेमेंट बैंक हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में मेरा जो जियो पेमेंट बैंक है यहाँ पे वेरीफाई होगा मेरे मोबाइल नंबर से। वेरीफाई होने के बाद में मेरा जो जियो पेमेंट बैंक है मेरे यहाँ पे Paytm एप्लीकेशन में सक्सेसफुल लिंक हो जाएगा, सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। अगर गाइस आपके सिम कार्ड पे रिचार्ज नहीं है, तो गाइस आपका जियो पेमेंट बैंक है, अगर आपको कोई भी बैंक है तो आपके Paytm एप्लीकेशन से लिंक नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, तो आपको सिंपली रिचार्ज करना। जब गाइस आपका लिंक हो जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन लेंगे, रिमूव अकाउंट, चेंज UPI पिन, और यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन चेक बैंक बैलेंस का, तो आपको सिंपली यहाँ पे चेंज पिन पे क्लिक करना। जैसे चेंज पिन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, चेंज UPI पिन फॉर योर जियो पेमेंट बैंक, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा, डेबिट कार्ड यहाँ पे यूज, डेबिट कार्ड यूज आधार कार्ड। तो गाइस आपके पास आधार कार्ड है, आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको आधार नंबर वाला ऑप्शन चूज करना है। चूज करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। नीचे गाइस अब आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में गाइस आपके सामने अगर इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है, आधार नॉट लिंक्ड, तो गाइस आपके बैंक से, आप जिस बैंक से आधार कार्ड से UPI पिन बना रहे हैं, उस बैंक से आपका जो आधार कार्ड है लिंक नहीं है, इसलिए गाइस आपके प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है, आधार नॉट लिंक, और यहाँ पे लिखेगा योर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट नॉट लिंक विथ आधार। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जियो पेमेंट बैंक से, मतलब गाइस आपका कोई भी बैंक होगा, जैसे मेरा जियो पेमेंट बैंक है, आपका कोई भी बैंक होगा, अपने बैंक से आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड को लिंक करवा लेना, तभी गाइस आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो गाइस आपको जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगा। तो जब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, आप जैसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका प्रॉब्लम यही आएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब आप अपने आधार कार्ड से अपने यहाँ पे बैंक को लिंक करवा लेंगे, तभी आपको जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। क्योंकि गाइस बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा है, उनको पता नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। सो गाइस सिंपल वे में आपको बता रहा है कि आपके आधार कार्ड से आपको जो बैंक अकाउंट है लिंक नहीं है, आप जो अपने आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करवा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका UPI पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, आपका UPI पिन सक्सेसफुली बन जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक बैंक अकाउंट और है, यहां पे हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, मेरे उस बैंक से मेरा यहां पे आधार कार्ड लिंक है, तो मैं आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में हमसे क्या करेंगे, अपने उस बैंक से हम यहाँ पे आधार कार्ड से UPI पिन सेट करके आपको दिखाने वाले हैं। केनरा बैंक है, केनरा बैंक पे आज को हम चेंज UPI पिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आधार वाला ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है। सो गाइस अगर आपका सब कुछ सही होगा तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर गाइस आपका इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है, तो गाइस आपको अपने आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को आपको लिंक करवाना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।